हैं मोहित भाई, जिन्होंने पंबन ब्रिज का वीडियो बनाकर हमें भेजा। मोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज के इस वीडियो में पंबन ब्रिज का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक नया ब्रिज जो समुंदर के ऊपर बनाया जा रहा है, तीर्थ स्थल रामेश्वरम को जो समुद्र के रास्ते से देश से जोड़ने वाला भारत का जो सबसे प्रसिद्ध पंबन ब्रिज है, उसको 114 साल हो गए, यानी कि जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है। तो इस पर एक समुंदर के ऊपर एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। बाएं दिशा में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिलर तैयार कर लिया गया है और ये पुल आने वाले समय में मान के चलिए कि मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले जो इसका टारगेट रखा गया था वो दिसंबर 2022, अब जो टारगेट रखा गया है वो मार्च 2023। तो 114 साल पुराना ये पुल हो गया है जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये नया पुल बनाया जा रहा है इस समुंदर के ऊपर। सबसे खतरनाक पुलों में से एक पुल इसे कहा जाता है, या कह सकते हैं देश का सबसे खतरनाक पुल। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, यानी कि जब भी कभी ये ब्रिज तैयार होगा तो ये इसका एक सिरा ऐसे उठ जाएगा कि जब भी कभी कोई नाव या शिप को निकालना हो तो इसका जो ऊपर का बीच का जो हिस्सा होगा उसको ऊपर उठा दिया जाएगा, जिससे कि नीचे से जो शिप हैं या नाव हैं वो निकल सकें। तो इस तरह से ये भी एक ऐतिहासिक आप देख सकते हैं पुल, तो ये तैयार किया जा रहा है, काफ़ी हिस्सा तैयार कर लिया गया है। तो दिसंबर 2022 तक देखिएगा, बहुत मुश्किल है कि ये पूरा हो जाए, तो इसी वजह से मार्च 2023 इसका टारगेट कर दिया गया है। तो धीमी रफ्तार से ट्रेन यहाँ से गुजरती है, आप वे देख सकते हैं। तो एक खूबसूरत नज़ारा आप लोगों के लिए समुंदर के ऊपर बन रहे इस पुल का। आपको बता दें कि 1964 के साइक्लोन में मौजूदा जो पुराना ब्रिज है जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चल रही है, इस ब्रिज का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद जो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं ई श्रीधरन, इन्होंने दोबारा इस ब्रिज का निर्माण कराया, वो भी बहुत ही मजबूती के साथ। तो ये ब्रिज आज भी चल रहा है। तो अब रेलवे ने ये डिसाइड किया है जो पुराना ब्रिज है इसको हटा दिया जाएगा, यानी कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और उस नए ब्रिज का उपयोग किया जाएगा। रिटायर इस वजह से भी किया जाएगा इस पुल को जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चल रही है, क्योंकि लगभग एक सदी से ज़्यादा हो गया है। इसके कारण जो इसमें लोहे वगैरह हैं, इसमें जंग भी लगने लगी है। आने वाले समय में ये कभी भी पुल टूट सकता है, फिलहाल इतनी जल्दी नहीं। इसी वजह से रेलवे ने महसूस किया कि एक नया पुल जो बाएं दिशा में आप लोगों के सामने बन रहा है, तो इसको तैयार किया जाए, फिर आने वाले समय में इसके ऊपर से ट्रेनें गुजरा करेंगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लहरा रहा है, वो भी समुंदर के ऊपर बने पुल के ऊपर। जिस ट्रेन से मोहित भाई सफ़र कर रहे हैं, इस ट्रेन का जो नंबर है वो 06653 मदुरई रामेश्वरम अनारक्षित स्पेशल ट्रेन है। तो इस ब्रिज से फ़िलहाल 12 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होता है, गुजरती हैं, और चूंकि अब ये ब्रिज कमज़ोर भी हो रहा है तो इसकी रफ्तार भी घटा दी गई है। तो जो ट्रेन की रफ्तार है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके ऊपर गुजरती है, जबकि जो नया ब्रिज तैयार होगा तो उसके ऊपर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। तो इसमें खासियत क्या है, हम भी ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इसमें जो बीच का जो 72.5 मीटर का जो हिस्सा है, यानी स्पैम है, वो अपने दोनों तरफ लगी लिफ्टों के माध्यम से ऊपर की ओर इतना उठ जाएगा कि उसके नीचे से समुद्री जहाज आसानी से निकल सकें। तो मैंने आप लोगों को ये शुरुआत में ही बताया कि ये ब्रिज जो है वो 2 किलोमीटर लंबा रहेगा। ये ब्रिज मंडपम रेलवे स्टेशन और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के बीच समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है। जो इसकी लागत आई है वो लगभग 560 करोड़ रुपए के करीब में है, और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर में अगर नहीं तैयार हुआ तो मार्च 2023 तक हर हाल में इसे तैयार कर लिया जाएगा। थोड़ा सा ये भी स्पष्ट कर दूं, ऐसा सुनने में आ रहा है जो ये पुराना ब्रिज है जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चल रही है, ये सिंगल लाइन का है, जबकि जो ये नया ब्रिज बनाया जा रहा है ये डबल लाइन का ब्रिज बनाया जा रहा है। तो पुराने ब्रिज में 147 पिलर
हैं, जबकि जो नया ब्रिज है इसमें 101 पिलर्स बनाए गए हैं। नए ब्रिज में जो पिलर की गहराई है वो 35 मीटर है। पुराने ब्रिज का जो स्पेशल स्पैम 68 मीटर का है, जबकि नए ब्रिज का जो स्पेशल स्पैम है वो 72.5 मीटर का है। पुराने ब्रिज में एक समान स्पैम 12 मीटर का है, यानी दो पिलर की दूरी 12 मीटर की है, जबकि नए ब्रिज में ये दूरी 18 मीटर की रखी गई है। पुराने पंबन ब्रिज में एक समस्या ये भी थी, ब्रिज का जो स्पेशल स्पैन बीच में दो हिस्सों में फ्लैप की तरह खुलता था, इसके बीच से समुद्री जहाज निकलते रहे थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि इस काम के लिए दोनों तरफ 16-16 व्यक्तियों को खड़े होकर हाथों से स्ट्रिंग रोलिंग मशीन चलानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर ब्रिज का स्पैन खुल पाता था। लेकिन अब नए बन रहे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में ये सारा काम ऑटोमेटिक लिफ्ट मशीन से होगा, जिसमें सिर्फ बटन दबा देने से इसके दोनों ओर लगी लिफ्टें एक साथ ब्रिज के स्पेशल स्पैन को ऊपर उठा देंगी, फिर इसके नीचे से समुद्री जहाज या नाव वगैरह जो हैं वो निकल जाया करेंगे। तो ये खासियत इसमें बनाई गई है इस नए ब्रिज में। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर ये ब्रिज तैयार किया जा रहा है। खास बात ये भी है कि रेलवे का जो ये ब्रिज तैयार किया जा रहा है इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जिसमें 58 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि हवाएं चलेंगी तो ऑटोमेटिक तरीके से अलर्ट सिग्नल जारी हो जाएगा, और यदि कोई मैनुअल तरीके से ट्रेन का रास्ता क्लियर भी कर देता है तब भी ट्रेन को खतरे का सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेन ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये इसमें फ़ायदा दिया गया है और यकीनन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो सेफ्टी भी इसमें बखूबी देखी जा रही है। तो कम रिस्क है और यकीनन अब टेक्नोलॉजी तरह तरह की आ भी रही है तो रेलवे को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। तो देखना होगा कि मार्च 2023 या उससे पहले तैयार हो जाता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर ये पुल बनाया जा रहा है। दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित भी ये पुल करता है, क्योंकि इस पर जब सफ़र किया जाता है तो यकीनन बहुत ही आनंद आता है और बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं। ये पुल प्रसिद्ध रामानाथ स्वामी मंदिर जाने के लिए तीर्थयात्रियों को ले जाता है। इसमें एक खास बात ये भी है कि ये पुल समुद्र तल से 22 मीटर की नेविगेशनल एयर क्लियरेंस के साथ मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा भी है, यानी जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चल रही है इससे 3 मीटर ऊंचा ये पुल बनाया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो और दी हुई जानकारी? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।